release it with a click of the mouse. Till today. Some have studied for 2 years, some are for 3 years, some are for even 3 months. But the number says the city of Shillong, with I think the population of 2 lakh only. Even if you take greater Shillong, maybe it is 10 lakh. So from that 67,000 young people come to our institute for their studies, and most of them get into it somehow in their own capacities. This is a great feat. This all has happened because Vivekananda said this quote. I wish today we have a different protocol. We have to finish the program quickly. We have some different sessions. Tomorrow we are having a session with the caretakers who took care of the institute for all these years to have an assessment how we have progressed. That is in the afternoon. But other than that, on 29th we call invite young people of this of the city to come and have a discussion what we are going to do when that so joblessness, so many big companies, Microsoft, Google, they are laying off. People are, earlier it was being told we are not employable, we are trying to make you employable, but there are now no employment. How address that problem? The chatbots, the AR, the VR, augmented reality, they are all taking off our jobs. How we sustain ourselves, how we survive. So these are the things we will be discussing. Some of the things I will take a feedback on 29. I expect to see you all and then we'll have much better deliberations. I wish you all the joy that you are emanating from your faces should continue, and whole the state and the country should be proud of you, of Meghalaya, of this city, beautiful city. Thank you for this. मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उसी मंच पर खड़ा हूँ जहाँ पे 27 अप्रैल 1901 को स्वामी विवेकानंद जी ने श्रीराम के लोगों को संबोधित किया था। विश्व के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक छोटे से स्वरण है छोटे छोटे आगंतुक के रूप में भ्रमण करना उस समय कोई सरल कार्य नहीं था। भारत एक विविधताओं का देश है जहां अलग इलाकों में मौसम खान पीन रहन सहन और अत्यंत अलग वेशभूषा संस्कृति के लिए जाना जाता है, फिर भी हम सभी एक परिवार की तरह एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। जब हम स्वयं को अन्य देशों के साथ तुलना करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ है, जो न केवल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न भूमि है बल्कि इस देश ने कई महान विचारकों दार्शनिकों महापुरुषों के साथ मानव जात के समृद्ध किया है और उनके जीवन और विचारों से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जीवन चरित्र एवं विचारों से निराश व्यक्ति को जीवन जीने का एक नया उद्देश्य मिल सकता है। वैश्विक पटल पर भारत को प्रतिष्ठा दिलाने वाले इन्हीं में से एक प्रमुख नाम है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के अपने ज्ञान तथा शब्दों के द्वारा संपूर्ण विश्व को मैं हिंदू धर्म के विषय पर लोगों को नजरिया बदलते हुए लोगों को अध्यात्म एवं वेदांत में इस विश्वभर को भारत के विश्वभर उपलब्ध आदित्य और सहिष्णुता सौभमता स्वीकारता विषय से परिचित कराया। अमेरिका के शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया तथा वेदांत दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में किया। उन्होंने समाज की सेवा के लिए अपने गुरु और महान संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन एवं रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि समाज में पहली कट्टरता सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि बिना स्वभाव तथा भाईचारे के विश्व तथा मानवता का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। रामकृष्ण मिशन विभिन्न जातियों संप्रदायों और धर्मों को से जुड़े सभी युवाओं को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए एक मंच पर ला रहा है। यह केवल मित्रता की भावना और विकसित
करता है कि बल की सबके समानता और भावना को जागृत करता है या राष्ट्रीय एकता की भावना को परिपक्व करने का एक लंबा रास्ता है भी तय करेगा। हम सभी के लिए गर्व का विषय है क्योंकि शिलांग शहर स्थित विवेकानंद केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं आज आज कौशल विकास भवन के साथ आज मिलकर और सबसे की ओर अपना कदम रख रहा है। अपने वाणी को यह विकास विराम देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अवसरों की कोई कमी नहीं है, केवल आपको सही समय उनका सही चुनाव करना होगा। बोले मिथिला जय हिंद जय भारत। अपने अनमोल विचारों को साझा करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए उत्साह है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।